सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति उसे मान लेना चाहिए। बताइए सफल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? किसे आप कामयाब मानते हैं? फटाफट बताइए, कामयाबी की परिभाषा आपके हिसाब से बताइए। सबसे पूछूंगा, तैयार रखना परिभाषा। शुरुआत आपसे, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? आप बताओ चश्मे वाले भैया, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? हाँ, दिन भर का हो, निर्भर, सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है। आप बताओ, सेल्फ डिपेंड की भी कोई परिभाषा करके बताओ सेट, हम बताएंगे फिर। अभी भैया आप बताओ, दादाजी बताएंगे, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? क्या है, कौन है कामयाब आपके हिसाब से? चलो अब मैं बता देता हूं, समय कम है आप लोगों से पूछने का। जो मैंने अभी तक जाना, मेरी उम्र का तजुर्बा है, अब ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, मैंने अपने से तैयार की है कि भाई जो मुझे लगा, मैंने, हो सकता मेरा मानना गलत हो तो आप इसे सही कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर नहीं है, जो अपनी गृहस्थी अपनी कमाई से करता हो, चलाता हो, जो अपनी मां और अपने पिता को भी अपनी कमाई की रोटी खिलाता हो, जो माँ बाप के धन की रोटी माँ बाप को ना खिलाए, जो अपनी मेहनत अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाए, अपनी कमाई की रोटी अपनी पत्नी को खिलाए, अपनी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और उसके ऊपर किसी का कोई विशेष दबाव ना हो, जो अपनी कमाई से अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना ले, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, अपनी माँ बाप की वो सेवा कर ले, अपने माँ बाप की दवाई इलाज के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपने गृहस्थी के काम अपने से कर ले, किसी के सामने उसे हाथ ना पसारना पड़े, बस उसी को आप कामयाब समझिए। किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े, बाप के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े, उसे आप कामयाब मानो, वो कामयाब है कि वो सेल्फ है। उसे बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि भैया तुम पैसे दो, फिर पिताजी जरा पैसे दो, फीस भरें, बद नहीं, हम पढ़ाना, पैदा किए हो ना तुम, तो तुम ही तो पैदा किए हो, तो पढ़ाएगा बाप क्यों, तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को, या फिर पहले अपने आप को योग्य बना लेते फिर बच्चे पैदा करते। किसी पर भार क्यों बनते हैं आप लोग? बाप पर भी भार नहीं बनना चाहिए मेरा मानना, क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ या ना? फिर भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया और यशोदा के पुत्र का नाम कृष्ण रखा, रोहिणी मां के पुत्र का नाम राम रखा, कृष्ण और बलराम नाम पड़ा। भगवान थोड़ा बड़े हुए, बाल लीलाएं की, गोपियों के घर जाकर के भगवान ने माखन चोरी की, मटकी चुराई, माखन चुराया, माखन खाया, गोपियां शिकायत करने आई, मैया वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश से संजात सहा, तेरे लाला ने आज चोरी कर ली मैया, सारो माखन चोरी करके खाई लियो, अरे मैया तेरे लाला ने आज बछड़ों को खोल दिया, तेरे लाला ने, शिकायत कर रही है। मैया बोली, लाला तूने सच्ची चोरी करी ना मैया, मैंने कछु चोरी ना करी, कछु ना चोरी करी। भगवान समझाए रहे हैं और मैया डांटवे लग गई। ये भगवान की जो बाल लीलाएं हैं ना, ये भक्त और भगवान की मनमोहक लीलाएं हैं। जो गोपियां भगवान को नहीं मिल पाती थी तो लीला के माध्यम से जाकर भगवान उन्हें दर्शन देते थे। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयम् स्वाद वत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गैः। एक बार भगवान ने मिट्टी खाई, मैया मुंह देख रही है, मुंह खोल लाला, आ इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आया।